आज हम बात करने जा रहे हैं आर्ट्स गवर्नमेंट्स एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एनसीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, जेएल प्रहरी, एसएससी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो आज का टॉपिक है महात्मा गांधी के बारे में एंड लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। इनको आज 2 अक्टूबर है और इनका जन्मदिन है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी। जो महात्मा गांधी है उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। 2 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? उत्तर है 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, कठियावाड़ा पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ है, जो कि गुजरात में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी का नारा था। 4 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नारे क्या थे? उत्तर है करो या मरो। महात्मा गांधी के नारे क्या थे? करो या मरो। 5 नंबर क्वेश्चन है, यह कथन किसने कहा? ऐसा ऐसे जियो कि जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीतने वाले हो। यह कथन किसने दिया? यह कथन किसने कहा? ऐसे जियो कि जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम कल हमेशा के लिए जीने वाले हो। यह कथन महात्मा गांधी ने दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती की याद में, और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के याद पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू हुई? उत्तर है 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 24 दिन में दांडी यात्रा समाप्त हुआ। 24 दिन लग गए थे दंड यात्रा करने में। 8 नंबर क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? उत्तर है साबरमती आश्रम जो है वो स्थित है अहमदाबाद में, और इसकी स्थापना 15 मई 1915 को किया गया था। और साबरमती आश्रम जो है साबरमती नदी के किनारे बसा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? उत्तर है सत्य के साथ मेरे प्रयोग आओ की कहानी। जो महात्मा गांधी द्वारा बुक लिखी गई थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आओ की कहानी लिखी गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में महात्मा गांधी के फिल्म किरदार किसने निभाया? उत्तर है बेन किंग्सले। जो महात्मा गांधी के फिल्म के किरदार निभाने वाले थे बेन किंग्सले, जो कि 1982 में फिल्म बनी थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? उत्तर है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोंड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। 12 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है कस्तूरबा गांधी, जो कि 1969 में इनका जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर की दृष्टि से। 13 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार के गांधी किसे कहते हैं? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के गांधी किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के
राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। जो महात्मा गांधी हैं उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? उत्तर है 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंग्रेज़ों को कब छोड़ने पर मजबूर कर दिया? महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर कब मजबूर कर दिया? उत्तर है 1947 में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर छोड़ना पड़ा, जो कि देश स्वतंत्र हो गया। 1947 में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा और देश आज़ाद हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिन कब मनाया जाता है? उत्तर है 2 अक्टूबर। लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्मदिन है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर का जन्मदिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को मनाया जाता है, और इन दोनों के जन्मदिन को अहिंसा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। जो लाल बहादुर शास्त्री थे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ फार्मर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बहादुर का नारा था जय जवान जय किसान। 20 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्री जी को भारत रत्न का पुरस्कार कब दिया गया? उत्तर है 1966 में। शास्त्री जी को भारत रत्न का पुरस्कार 1966 को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो का और भी पार्ट देखने के लिए आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।